याग्निक, नेरू से बोल रही हूँ। मैंने फेमिना में कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, तो यहाँ पर मैं आज कुछ खास बनाने जा रही हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आज की डिश है मध्य प्रदेश की, जिसे टुपकिन भी बोलते हैं, और ये आलू की कचौरी है बेसिकली, उसमें मैंने फिलिंग करी है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बनाएंगे सबसे पहले आलू की कचौरी। आलू की कचौरी के लिए हमको आटा गूंदना है, तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 कप आटा। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है। मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा दूध डालूंगी जिससे कि नरम बनेगी, और थोड़ा सा हम इसमें 2 चम्मच तेल हम इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से इसको मसल लेंगे। देखिए बढ़िया सा हमारा आटा गूंद गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमको आलू की फिलिंग के लिए 4-5 बड़े उबले आलू चाहिए, उसको हम छील लेंगे और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये आलू कस लिए हैं मैंने, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा अमचूर पाउडर। देखिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हम इसमें धनिया डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा मसाला एकदम तैयार है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक मिर्च और अमचूर डाला है, क्योंकि फिलिंग भी करनी है हमको। फिलिंग में सेम रहेगी, सॉस रहेगा, तो अपने आप बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। देखते हैं हम हमारा आटा, 10 मिनट हो गए हैं इसको। देखिए इसको एक बार और चला लेंगे, ये देखिए। अब हम इसकी पूरियां बेलना चालू करते हैं स्टफिंग के साथ। ये मैंने तेल डाल दिया, अब इसको गर्म होने देते हैं, तब तक मैं गोलियां बना लेते हैं। हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे, इसमें हम ये आलू का मसाला भर रहे हैं देखिए, और इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे और हल्के हाथ से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बेल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बेल लेंगे। पूरियाँ तैयार हैं, अब इसको हम तलेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये पूरियाँ डालेंगे तलने के लिए। देखिए एकदम लाल हो गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये आलू की कचौड़ियाँ तैयार हैं, अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। ये हम सेव लेते हैं थोड़ी। डालेंगे हम कच्चा प्याज, इसका क्रंचीनेस अलग ही आएगी, सेव की क्रंचीनेस रहेगी, तीखापन रहेगा और प्याज की क्रंचीनेस रहेगी इसमें। हम डालेंगे सॉस, टोमेटो सॉस है ये इसमें हम डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ये देखिए एकदम कलरफुल। इस मिक्सचर को हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको हम बीच में से काट देंगे।
बताने वाली हूँ। ये तो बच्चों की पसंद की चीज़ थी, सॉस थी, खट्टा मीठा था, सेव था, प्याज थी, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसको मैंने कुछ ट्विस्ट दिया है जो आजकल के बच्चों को पसंद है, चीज़ और पेपरिका और ओरिगैनो, तो उससे हम फिलिंग करेंगे। आइए देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चीज लेंगे, मैं चीज डालती हूँ बाउल में, इसमें मैं थोड़ा कैप्सिकम डालूंगी क्रंचीनेस के लिए, थोड़ी सी ये काली मिर्च डालूंगी, और ये है हमारा पेपरिका, इससे एक अलग ही स्वाद आएगा इसमें। अगर इसमें भी आपको प्याज डालना है तो डाल सकते हैं। तो क्या करें, डाल दूं थोड़ा प्याज? चलिए डाल ही देती हूँ। ये लीजिए थोड़ा सा प्याज, इसमें भी डाल दिया। मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न्स भी हैं, अगर आपके घर में रखे हों उबले हुए तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मैं इसमें फिल कर देती हूँ। इसको भी हम सैंडविच की तरह काट लेते हैं तो खाने में इजी रहेगा। ये देखिए, इसको क्या करें, ऐसे ही खाएं कि थोड़ा सा ग्रिल कर लें? चलिए थोड़ा सा इसको ग्रिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये और भी खाने में अच्छी लगेगी। और इसको हम ग्रिल कर लेते हैं। देखिए पूरी सिक गई है लाल लाल, और चीज़ अब देखो मेल्ट होने लग गई है। देखिए ये मोज़रेला चीज़ ली है मैंने, ये देखिए, इसको आप आराम से सॉस के साथ खा सकते हैं। आम्रता के लिए मैंने ये चार आम लिए हैं अल्फेंसो, इसको धो के अच्छे से काट लिया है। अब इसको मैं रस बना लूंगी, इसका थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, ताज़ा दही हमको लेना है। ये देखिए ताज़ा दही हम लेंगे, बहुत खट्टा नहीं हो, और शक्कर भी हम उस हिसाब से डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर भी डालेंगे। इसमें चार चम्मच, छोटे चार चम्मच मैंने शक्कर डाली है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे जिससे कि और स्वाद आ जाए इसमें। अब देखिए इसमें तड़के के लिए मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, ये मैं राई डालती हूँ, सरसों, मिर्ची, थोड़ा कड़ी पत्ता, तड़का अब हम आम्रता में डालेंगे। नमक और शक्कर हमने पहले ही डाल दी है, देखिए ये देखिए हमारा आम्रता तैयार है। इसको आराम से आप आलू की कचौरी के साथ खा सकते हैं। तो ये मेरा आम्रता जो बनाया है वो है, ये स्टफ्ड कचौरियाँ हैं, और ये मैंने बनाई है एवोकाडो की चटनी, ये सॉस है जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है, और ये है कीवी की चटनी। इसमें मैंने थोड़े से टुकड़े ऊपर से डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक मिर्च डाला है। तो ये तीन डिप्स हैं इसके साथ, और ये मैंने ब्रेड से बनाया है, ये केक नहीं है, ये ब्रेड से बनाया है, और ऊपर से ये मैंने स्टिक्स और चीज़ लगाई है। तो देखिए हमारा ये पूरा डिश तैयार है।
फेमिना ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये एक मौका दिया अपनी रेसिपी शेयर करने का। मुझे यकीन है पूरा कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।